फ्रेंड्स, अगर आप भी आप अपना मोबीक्विक जीप बैलेंस को आप अपने अकाउंट पे लेना चाहते हो, बट आपको अभी फिलहाल जो भी सारा मेथड है अभी फिलहाल वर्किंग नहीं है, आपको सिर्फ पता है निश बड़ा मैं आपको बता दूँ कि अभी फिलहाल आप लोग इस टाइम कैसे आप लोग मोबीक्विक जीप बैलेंस को आप अपने अकाउंट पे ले सकते हो, तो वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आज जो डेट है आप लोग डेट यहाँ पर देख सकते हो, आज जो 26 फरवरी है एंड आज की डेट पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग मोबीक्विक जीप बैलेंस को आप अपने अकाउंट पे ले सकते हो। वीडियो हो सकती है कि थोड़ा सा लंबी हो जाए, देन वीडियो को आप लोग एंड तक देख लेना, आपको सारे के सारे स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो मोबीक्विक का अकाउंट है यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है एंड इस अकाउंट का जो पैसा आप लोग देख सकते हो 273 रुपीज है एंड इस पैसे को मैं आप लोगों के सामने लाइव विड्रॉ करके दिखाऊंगा। देखो इसके लिए तो हम यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड पेमेंट की। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी आप लोग वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्रेडिट कार्ड मिलेगा एंड आप लोग कैसे आप अपना पैसे को आप अपने अकाउंट पे ले पाओगे। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि बैलेंस असल में विड्रॉल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए हमें करना क्या है, सिंपल से हम लोग वॉल सर्विस का जो बटन है आपको नीचे पे दिया गया है, इस पर आपको करना है क्लिक। देखो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो सबसे पहले तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, उस पर आपको मैं बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इस पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है अप्लाई करते टाइम तो आप लोग ये जो नंबर शो रही है व्हाट्सएप का इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो एंड मेरे से जितना होगा मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो देखो जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे आप लोग सीधा इस पेज पे आ जाओगे एंड सिंपल से आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड आपको यहाँ पर जो मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड पेमेंट। तो देख सकते हो ऊपर में आपको दिया गया है क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पर जो ऐड कार्ड का बटन मिलेगा, ऐड कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना एंड जैसे आप क्लिक कर दोगे आप जो भी क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूवल आएगा या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी है वो जो कार्ड का नंबर है आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने पर सिंपल सा कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू कर दोगे आपके सामने क्या आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा जो कार्ड है मैंने इसको ऑलरेडी ऐड करके रखा है, तो सिंपल से मैं नीचे जाती हूँ एंड मेरे पास है यहाँ पर HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो सिंपल से मैं इस पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने इस पे नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया है एंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जो डायरेक्ट लिंक होने वाली है। तो सिंपल से आपको यहाँ पर पूछा जाता है आप कितना अमाउंट पे करना चाहते हो, तो सिंपल से मैं यहाँ पर 100 रुपीज यहाँ पर पे करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ जो 100 रुपीज ट्रांसफर कर पाओगे, आपका जो भी सारा बैलेंस है आप लोग इजीली ट्रांसफर कर पाओगे, क्योंकि यार मेरा इस मोबीक्विक वॉलेट पे बैलेंस उतना नहीं है यानी कि जीप पर बैलेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पर 100 रुपीज ट्रांसफर करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपल से मैंने जो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया एंड मेरे सामने यहाँ पर अप्लाई कूपन का बटन आ चुका है, तो हमें उस पर टास्क नहीं करना है, सिंपल से हम लोग पे के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इस पे के ऊपर क्लिक किया हमारे सामने जो पे लेटर है वो जो आपके सामने शो कर दी जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो सबसे पहले आ चुका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया, जो कि मेरा यहाँ पर UPI लिंक्ड है। तो उसके नीचे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर पे लेटर अवेलेबल है जो कि यहाँ पर आपको कुछ पैसा चार्ज देना होती है। देख सकते हो 3.53 रुपीज की यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन फी आपको पे करना होती है एंड जैसे आप लोग इस पे के ऊपर क्लिक कर दोगे 100% आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा, 100% हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे मैं यहाँ पर पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मुझे एक्स्ट्रा है जो पैसा है मुझे पेमेंट नहीं करनी, ठीक है ना। तो अगर आप लोग पे के ऊपर क्लिक कर दोगे जैसे देख सकते हो यहाँ पर पे लेटर शो हो चुका है, डेफिनेटली यहाँ पर जो पेमेंट है यहाँ पर 100% हो जाएगा। तो यार अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्रेडिट कार्ड पहले बनवा लो एंड अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से जाकर पेमेंट करो एंड वो जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है आप लोग किसी भी एक वॉलेट पे जाके ऐड मनी कर सकते हो जो आपको जो है लो प्रोसेसिंग फी पे आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग ATM से विड्रॉल करोगे देन आपको ज्यादा पैसा पे करना होगा, तो आप लोग किसी भी वॉलेट पे जाके भी इस पैसे को ऐड करके आप अपने अकाउंट पे ले सकते हो। होप कि ये जो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने में कोई भी दिक्कत आती है तो ये जो नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट करो, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।